हेलो दोस्तों, आइए करते हैं आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन एक, लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा नो योर कैंडिडेट, इसे केवाईसी ऐप भी कहते हैं। केवाईसी ऐप के माध्यम से मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में खड़े उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड भी जाँच कर सकता है। इस ऐप का उद्देश्य है चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देना। ईसीआई ने कहा है कि उम्मीदवारों को समाचार पत्रों और टेलीविजन पर 3 बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना आवश्यक है। अब हम पढ़ते हैं ईसीआई के बारे में बेसिक जानकारी। ईसीआई की फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका कार्य है देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करवाना। चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट ऐप और पोर्टल पढ़ते हैं, उनको किसने लॉन्च किया है। स्वाति पोर्टल अजय कुमार सुद ने लॉन्च किया है। अपना चंद्रयान पोर्टल धर्मेंद्र प्रधान ने। प्रेस सेवा पोर्टल अनुराग ठाकुर ने। कंज्यूमर ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने। ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय ने। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय ने। प्रहरी ऐप बीएसएफ एवं गृह मंत्रालय ने। कॉल बिफोर यू डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन दो, एआई गेमिंग एजेंट सीमा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, गूगल डीप माइंड। सीमा वीडियो गेम खेलने के लिए अधिक मानवीय दृष्टिकोण लाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब हम पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एआई करंट अफेयर्स। भारत का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है। इसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लीसा है, जिसे ओडिशा टीवी ने लॉन्च किया है। भारत की पहली एआई टीचर आयरिस है। ये टीचर केरल के केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत है। क्वेश्चन तीन, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। स्विट्जरलैंड के एक संगठन आईक्यू एयर द्वारा प्रकाशित विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 की एक नई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। 2018 से अब तक 4 बार दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। भारत का औसत वार्षिक पीएम 2.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। अब हम जानते हैं पीएम 2.5 माइक्रोन क्या है। यह एक तरह का पार्टिकुलेट मैटर होता है, जिसका डायमीटर व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। यह बेहद छोटे कण होते हैं जो हवा की गुणवत्ता को खराब करते हैं। कुछ कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके पता लगाया जा सकता है। भारत में पिछले साल पीएम 2.5 का औसत स्तर 1 क्यूबिक मीटर में 54.4 माइक्रोग्राम रहा था। WHO के पैमाने से 10 गुना ज्यादा था। पीएम 2.5 से स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? इससे दिमाग में खून के प्रवाह पर गलत असर पड़ता है, ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ता है, निमोनिया, खांसी, अस्थमा, छींक, स्किन एलर्जी आदि रोग होते हैं। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बांग्लादेश दुनिया में सबसे प्रदूषित देश है। पाकिस्तान दूसरे नंबर का सबसे प्रदूषित देश है। भारत 134 देशों में से तीसरा सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला देश है। दुनिया के 11 सबसे प्रदूषित शहरों में से 10 शहर भारत के हैं। बिहार के बेगूसराय को दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बताया है। अब हम पढ़ते हैं 2024 की कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक 108 है। पहला स्थान डेनमार्क का था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारत की रैंक 134 है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। भ्रष्टाचार धारणा इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 93 स्थान पर रहा है और पहला स्थान डेनमार्क का है। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 66वें स्थान पर रहा और पहला स्थान यूएई का रहा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के अनुसार भारत 7वें स्थान पर रहा। पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर कोई देश नहीं है। डेनमार्क 4 नंबर पर है और फिलीपींस 6 नंबर पर है। क्वेश्चन 4, पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहां शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। पूर्वोत्तर खेल 2024 का आयोजन 18 से 23 मार्च 2024 तक किया जाएगा। इस खेल में उत्तर पूर्व के सभी राज्य हिस्सा लेंगे। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने खेलों की आधिकारिक रूप से शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एकता और एकजुटता को बढ़ावा देना। भारत में पूर्वोत्तर खेलों का पहली बार आयोजन 2018 में किया गया था। अब हम पढ़ते हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अब हम पढ़ते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। WPL 2024 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब
मुंबई ने विदर्भ को हराकर जीता है। यशस्वी जायसवाल और सदरलैंड को फरवरी 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने BWF फ्रेंच ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता है। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। खेलो इंडिया पदक विजेता अब सरकारी नौकरी के लिए इलिजिबल माने जाएंगे। क्वेश्चन 5, CAA नियमों पर रोक लगाने की मांग के लिए मुकदमा कहां चलाया जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट में। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने की घोषणा की थी। अब CAA को लागू न करने के लिए उस पर स्टे लगाने के लिए कोर्ट केस किया गया है। सरकार ने इस पर कोई भी फैसला लेने से इनकार कर दिया है। 9 अप्रैल को कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। क्वेश्चन 6, ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडीज आपातजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के उल्लंघन में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसे नोटिस भेजा है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, बाबा रामदेव को। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडीज अधिनियम 1954 के उल्लंघन करते हुए ब्लड प्रेशर, अस्थमा, मोटापे जैसी बीमारियों के लिए स्थायी राहत के रूप में अपने प्रोडक्ट का ब्रांडिंग न रोकने के लिए नोटिस दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने औषधीय प्रोडक्ट के बारे में न्यूज़पेपर या टीवी पर कोई विज्ञापन ना दें या एलोपैथी जैसी चिकित्सा या अन्य विधाओं के बारे में अपमानजनक बयान न दें। ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडीज अधिनियम 1954 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारत में दवाओं के विज्ञापन पर रोक लगाता है। जादुई गुणों का दावा करने वाली दवाओं और उपचारों का विज्ञापन करना अपराध की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन 7, चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा मिशन 414 अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है हिमालय प्रदेश में 414 मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदान करवाना। 2019 के लोकसभा चुनाव में हिमालय प्रदेश में औसत मतदान 72.42% था। अब हम पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर। सरकार गांव के द्वार पहल हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना भी हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था। 2024 में भारत का सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश रहा है। अपना विद्यालय पहल और संबल योजना भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। क्वेश्चन 8, वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 2023 में। WMO की रिपोर्ट में 2023 को अब तक का सबसे गर्म साल बताया है। WMO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन यूनियन की कोपरनिक सर्विस के अनुसार मार्च 2023 से फरवरी 2024 तक तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। विश्व मौसम संगठन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, इसका गठन 23 मार्च 1950 को हुआ था। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला अल मंडोज और ये कार्य करती है वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। क्वेश्चन 9, ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, मौसमी चक्रवर्ती को। क्वेश्चन 10, पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, यस बैंक ने। यस बैंक पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया का बैंकिंग भागीदारी बना है। इसका उद्देश्य है भारत के ओलंपिक एथलीटों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करना। यस बैंक ने मिलकर जिताएंगे अभियान शुरू किया है। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।